नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वैसे सिडनी टेस्ट मैच में आज का दिन भारत के लिए दर्द ही देकर गया है, क्योंकि खिलाड़ियों को चोट लगती रही, वहां टीम को भी चोट लगती रही और खेल खत्म होते होते न सिर्फ भारत इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा है बल्कि इज्जत बचाने के लिए भी खेल रहा है, क्योंकि भारत के दो खिलाड़ी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर नस्ल भेदी टिप्पणियां हुई हैं। आज ये नस्लवाद एक बार फिर उठ गया है भारत ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में, आपको याद है बार बार ये चीजें आती हैं। और आज दिन का जब खेल खत्म होने वाला था, आखिरी ओवर्स में मोहम्मद सिराज फाइनल लेग पर फील्डिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक थे उन्होंने उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, उनको गालियां दी। उसके बाद कप्तान ने दोनों अंपायर्स को, मैच रेफरी को कंप्लेंट की। डेविड बून मैच रेफरी हैं, वो आए, बात भी कर गए। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो भारत इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए खेल रहे हैं, जो कि मुश्किल है, मैच बचाना वाकई बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब ये नस्ल भेदी टिप्पणी आने से दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच भी विवाद बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत की टीम को लेकर मुझे लगता है विवाद बढ़ सकता है। मैं आपको सबसे पहले सीधा सिडनी लेकर चलता हूं। सनी भाई, सुनील गावस्कर मेरे साथ है, रात का वक्त हो चुका है। सनी भाई, आपने भी सुन लिया होगा, आप तो चूंकि वहीं पर हैं, ये मैच खत्म होने के बाद खबर आई है कि मोहम्मद सिराज और बुमराह पर नस्ल भेदी टिप्पणियां हुई, भारत की टीम मैनेजमेंट ने कंप्लेंट भी की है। ये आज की बात नहीं है, ये अगर आप हमेशा देखें, एक तो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का क्राउड है, खास तौर से जब शराब पीकर वो मैच देखते हैं, दोपहर को गर्मी हो जाती है, उसके बाद वो सारा का सारा आपक होकर विदेशी खिलाड़ियों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां करते हैं। आपने ये सिराज और बुमराह वाली खबर सुनी होगी? ये जो रेशियल अब्यूज होता है तो ये तो बहुत बहुत गलत बात है, और यही आशा करता हूँ कि जो मैच रेफरी है और आईसीसी है वो उसमें तुरंत एक्शन ले लेगी। एक एडवांटेज है कि जहाँ पे मतलब इतना क्राउड भी नहीं था, तो जहाँ से जिस डायरेक्शन से जिस स्टैंड से ये अब्यूज आ गया है, तो वो कैमरा के साथ वो हम देख सकेंगे, शायद आशा करता हूँ कि देख सकेंगे, और जो जो लोग हैं जिन्होंने ये जो अब्यूज किया उनको पकड़कर उन पर एक्शन ली जा सके। वैसे ये तो है कि 12th मैन का काम हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया का क्राउड करता रहा। आपको याद होगा जब हरभजन सिंह, सनी भाई, इसी सिडनी की तो बात है 2008 की, आप भी थे मैं भी था, वहां पर एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह का विवाद हुआ, उसके बाद सारा का सारा जो ठीकरा है वो भारत के खिलाड़ियों पर फोड़ा गया, मैदान में क्राउड ने भी ऐसे किया था। खैर, उस वक्त तो टीम इकट्ठा हो गई थी, टीम अगला टेस्ट मैच जीती भी थी। ये जो आज हुआ है, इसका असर क्या दिखता है आपको भारत पर? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जब मैदान में उतरेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे कल कुछ हुआ या, क्योंकि जब उन्होंने ये जो कंप्लेंट की है तो उस सेक्शन में और ज्यादा मैं समझता हूँ और ज्यादा सिक्योरिटी होगी, तो फिर उनको उसके बारे में तो अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मैच के बारे में सोचना। यही चीज सताती भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होता है, जब ये सीरीज शुरू हुई थी आपको याद होगा सब भाई भाई थे वो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भाई भाई, सब आईपीएल भी खेलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। हालांकि दूसरा टेस्ट मैच जब से ऑस्ट्रेलिया हारा, न सिर्फ उनके खिलाड़ियों का व्यवहार बदला, जो कि जायज बात है, लेकिन उनके मीडिया का व्यवहार बदला, और अब तो आप देखिए क्राउड भी जो है वो पूरी तरह से भारत के खिलाड़ियों को टारगेट कर रहा है। मदन जी, हाँ, देखिए ये जो टारगेट जो कर रहा है मीडिया, ये तो उनकी पुरानी आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए रेशियल अब्यूज जो है, मेरे विचार में जहां से आवाज आ रही थी वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, तो वहां से ही उनको रोक देना चाहिए था। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस सब चीजों को रोक दिया जाए। हाँ, ये है कि जब क्योंकि भारत ने बहुत अच्छा मैच जीता था, इसलिए थोड़ा मीडिया भी थोड़ा सा भड़का, और क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो मीडिया है वो देख नहीं सकता कि भारतीय टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए अच्छा खेला है भारतीय टीम ने, चाहे जो भी आप कह ले, पर ये चीजें तो आएंगी, बट मेरे विचार में आप भारतीय टीम को ये सोचना चाहिए कि हम ये मैच को बचा कैसे सकते हैं या उसको जल्दी जल्दी आउट कैसे कर सकते हैं, तभी जब मैं समझता हूं कि भारतीय टीम की इसमें वापसी होगी। चलिए सही बात है, मैच भी तो बचाना है, सनी भाई भी रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे, लेकिन कभी कभी जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं वो टीम को जोड़ देती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिडनी टेस्ट मैच बचाना अब करिश्मा ही हो गया है। देखिए कल भी आपको याद होगा हरभजन सिंह थे इसी शो में, उन्होंने कहा था अगर भारत को ये मैच जीतना है तो 50-60 रन की लीड चाहिए, क्योंकि चौथा इंडिया ने खेलना है। यहां तो आज भारत का कोलैप्स ऐसा हुआ, देखिए
103 रन है दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के, दो विकेटें गिरी है, यानी कि 197 रन आगे हैं। अब सवाल यह है कि कल वो कितनी देर बैटिंग करते हैं, भारत को क्या टारगेट देते हैं। भारत को 4 या 4.5 सेशन बैटिंग करना होगा, जो आसान नहीं होता मैच बचाने के लिए। लेकिन आज की बैटिंग अगर आप देखें, कल जो लास्ट एक घंटे में दिखा था वही आज भी दिखा, क्योंकि जब आप रन नहीं बनाते दिखते तो उसके बाद आप खेलते नहीं दिखते। आज भारत ने एक स्टेज पर 195 रन बना लिए थे, 4 विकेटें ही गिरी थी, लेकिन उसके बाद आखिरी 6 विकेटें भारत की 49 रनों में गिर गई और यहीं से लगा कि सिडनी भारत के हाथ से फिसल गया है। ये सबसे बड़ी शामत थी जब आप सुबह सुबह अच्छी नींद ले रहे होंगे, ये पूरा हादसा हो चुका था। पिछले मैच के शतकवीर और टीम के कप्तान टीम को बीच मझधार में छोड़कर गए थे, लेकिन ये तो होना ही था। जानते हैं क्यों? क्योंकि 70 गेंदों तक क्रीज पर रहे रहाणे, एक चौका एक छक्का लगाए, यानी 2 ही गेंदों पर 10 रन आए, बाकी 68 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। रहाणे का अल्ट्रा डिफेंस भारत पर भारी पड़ा। हनुमा भी कछुए की तरह गोल में घुस गए, दबाव बढ़ा तो रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए। 142 के स्कोर पर लगा ये भारत को चौथा झटका था और ये होना ही था। 40 गेंदों पर 5 रन, 10.53 का स्ट्राइक रेट, नंबर 5 के बल्लेबाज का इतना बुरा हाल, ऐसी बल्लेबाजी की वजह से शामत आई। रन तब बनने शुरू हुए जब ऋषभ पंत आए। ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक फील्ड खुल गई, पुजारा को भी थोड़ी मदद मिली, उनकी भी गाड़ी चल निकली। लगा चलो शायद देर से ही सही, पारी में रवानगी आएगी, जवानी आएगी। लेकिन इसी दौरान ऋषभ के हाथ पर पैट कमिंस की गेंद लगी, वो दर्द से करा उठे और इस दर्द ने भारत को भी दर्द दिया। सड़सठ गेंदों पर 36 रनों की उनकी पारी खत्म। पुजारा ने हाफ सेंचुरी पूरी की, सीरीज की पहली हाफ सेंचुरी। छुक छुक मास्टर की हाफ सेंचुरी भी बड़ी मुश्किल से लिए सिंगल पर आई। 174 गेंदों की मशक्कत के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे और एक गेंद बाद ही उनके डिफेंस को पैट कमिंस ने तार तार कर दिया। सीरीज में चौथी बार कमिंस ने पुजारा को आउट किया। पुजारा ने हद से ज्यादा पकाया, स्ट्राइक रोटेट ना कर पाने की खामी फिर उजागर। हाफ सेंचुरी बनाने के बावजूद स्ट्राइक रेट 28 का रहा, ऐसी धीमी पारी से भारत का भला हो भी नहीं सकता था। अश्विन की नादानी ने भी भारत को भौचक्का किया। जडेजा की कॉल पर सीधे भागने की जगह वो पॉल देखने लगे और फिर जब डाइव मारने की जरूरत थी तो वो भी नहीं कर पाए। सारा दारोमदार जडेजा पर आ गया, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई साथी ढूंढे नहीं मिल रहा था। नवदीप सैनी आए गए, बुमराह शून्य पर सिमट गए, फिर भी जडेजा ने रन लूटने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान मिचेल स्टार्क की गेंद उनके अंगूठे पर लगी, ये जोर का झटका था, फिर भी वो लगे रहे। लेकिन सिराज कब तक टिकते, कमिंस ने उन्हें आउट कर मैच में चौथा शिकार किया। ऑस्ट्रेलिया को 94 रनों की लीड मिली, विकेट और परिस्थितियों के लिहाज से ये लीड भारत को बहुत टीज देने वाली थी, हुआ भी यही। आज तक फिर वैसे देखिए, चौथा भारत ने खेलना है, इस लिहाज से भारत पर दबाव भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि दो खिलाड़ियों को चोट लगी है। रविंद्र जडेजा के तो फ्रैक्चर है, ये देखिए वो तो फ्रैक्चर हो गया है, वो ना सिर्फ इस टेस्ट मैच बल्कि इस सीरीज से बाहर होंगे। और अब उनको आप गेंदबाजी में भी मिस कर ही रहे थे, उनके गेंद करने वाले हाथ में ये गेंद लगा था, ये देखिए
उसके बाद अंगूठे में फ्रैक्चर है। ऋषभ पंत को भी एल्बो पर गेंद लगा, उनको भी स्कैन के बाद ये पता चला कि कम से कम फ्रैक्चर नहीं है, जरूरत पड़ी तो शायद वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनको देखना होगा कि चोट कितनी ज्यादा है, दर्द कितनी ज्यादा है। कभी कभी आप इंजेक्शन लेकर बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन सनी भाई जहां पर ये टेस्ट मैच खड़ा है, और देखिए सीधा सीधा आप कैलकुलेशन करते हैं कि दो दिन का खेल है, और जिस बिना पर भारत ने आज कोलैप्स भी हुआ और स्ट्रगल करते दिखे, आप क्या ये मैच बच सकता है? मिरेकल करिश्मा वो हो सकता है? मैं आशा करता हूं ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो तो काबिलियत है, जीत पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर कल हमारे गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया को 300 के अंदर ऑल आउट किया, तो फिर जीत के भी सोच हो सकती है। पर अब जिस तरह से मैच चल रही है, तो मुझे लगता है कि मैच बचाने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद टी टाइम तक ऑस्ट्रेलिया और 150-200 रन करेगी, और फिर भारत के सामने कुछ 350-400 का लक्ष्य सामने रखेगा। मदन जी, अगर आप कैलकुलेशन करें, 197 रन की लीड है, और अगर मैं कहता हूँ लंच के बाद एक घंटा भी अगर ऑस्ट्रेलिया खेलता है, 3 घंटे बैटिंग करता है, 150 रन अगर जोड़ लेते हैं, 150 का मतलब है आप 350, शायद 350, शायद 450। वो ये भी जानते हैं कि जडेजा ने बैटिंग नहीं करनी है, वो ये भी जानते हैं शायद ऋषभ पंत भी बैटिंग ना करें, और वो ये भी जानते हैं कि भारत के बल्लेबाज रन बनाने के लिए दिख नहीं रहे। ये तकरीबन 4.5 सेशन बैटिंग करना, कहना तो आसान हो जाता है शायद हो जाए, पर ये मुमकिन होता है इन कंडीशंस में, क्योंकि विकेट टर्न ले रही है? नहीं, देखिए ये कंडीशन जो है इसमें कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि आज गेंद थोड़ा सा नीचे भी रह रहा था, नीचे रह रहा, और ये नहीं है कि क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी आउट कर लें, 350 के करीब हम आउट कर लेते, तो मैच में वापसी भी कर सकते हैं, और कहीं से किसी ना किसी को ब्लाइंडर खेलना पड़ेगा। जैसे रोहित शर्मा जैसा इतना जबरदस्त प्लेयर है, वो एक ऐसी नहीं खेलनी पड़ेगी शायद भारत को, आप आशा कर सकते हैं, पर खेलनी पड़ेगी जिससे कि मैच में वापसी हो। हाँ, पर ये आपकी बात सही है कि जडेजा को हम जरूर मिस करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का क्या है कि उसको थोड़ा सा और वक्त मिलेगा, तो उसकी इंजरी जो है नर्स हो सकती है, तो वो थोड़ा सा बेटर भी हो सकते हैं, पर जडेजा डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में उसको हम जरूर मिस करेंगे। और मुझे तो ये लगता है मदन जी कि कल शायद पहला आधा घंटा मैच जिंदा है, आधा घंटा जिंदा, जो सनी भाई ने कहा कि कुछ ड्रामेटिक कोलैप्स हो गया जी, आते ही आपके 3-4 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर आ गया, आपने कुल लीड जो है वो 350 तक रोक दिया, तो शायद मैच बने। लेकिन अगर सनी भाई ये सेशन खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैच बचाना भी इतना आसान नहीं होगा, खासतौर से भारत की एप्लीकेशन की कमी को देखते हुए। आपने विराट कोहली द बैट्समैन को बहुत मिस किया, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है डोमिनेट करने की, रन यहां से निकालूंगा वहां से निकालूंगा। आपके खिलाड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे खाट बिछा कर बैठ गए, 3-3 रनआउट हो गए, आप 3-3 खिलाड़ी आपके रनआउट हो गए। नहीं, ये क्या हो रहा है कि जब आपको सिंगल्स भी नहीं मिल रहे, आप इतने बॉक डाउन हो गए कि आप बिंदी गेंदे खेल रहे, तो फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये मौका आ गया सिंगल लेने का, जहां पे सिंगल होती नहीं है और उसी में आप रनआउट होते हैं। दूसरी एक बात है कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के अलावा रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तेजी से बहुत कम ऐसे भारतीय बल्लेबाज इस टीम के बहुत कम ऐसे भारतीय बल्लेबाज है, और इसी की वजह से दूसरा रन अगर लेना है कि या तो टाइट सिंगल लेना है तो वहां पे दिक्कत खड़ी होती। तो ये जो एथलेटिसिज्म जो जरूरत है, उसी से भारतीय टीम को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि फील्डिंग में भी जब आप ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी देखते हैं, तो जिस तरह से वो एक 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 रन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फील्डर्स हैं उनमें वो क्विकनेस है नहीं जिससे वो सिंगल रोक सके। सिर्फ जडेजा के पास है, शुभमन गिल के पास है, रोहित शर्मा जब नजदीक होते तो उनके पास है, पर बाकी लोगों के पास नहीं। अब सनी भाई देखिए, यही रनआउट सनी भाई जो विहारी का रनआउट है, जो जोश हेजलवुड ने किया है, आपकी टीम में वाकई में रविंद्र जडेजा के अलावा किसी में एबिलिटी नहीं है कि नीचे से आप थ्रो मार दें। अब सवाल है चेतेश्वर पुजारा का, सोशल मीडिया पर भी है और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को लेकर डिबेट कर रहे हैं। कुछ कहते हैं जी देखो पुजारा का खेलने का तरीका ये है, लेकिन ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि खेलने का तरीका तो ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से खेलते हैं, इतना स्लो खेलते हैं, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, तो सामने वाले पर प्रेशर होता है और सामने वाले उसके चलते आउट होते हैं।
देखिए ये उनका गेम पिछले 80 टेस्ट मैचेस से यही उनका गेम है, इनके गेम में ज्यादा बदलाव तो आया नहीं है, क्योंकि ये उनकी ताकत है अपनी नेचुरल, उनकी वो ये नेचुरल गेम है और वो खेल रहे हैं, और शायद यही जो उनकी नेचुरल गेम है वो शायद भारत को मैच बचा सकती है। तो उन पर उंगली उठाना मैं समझता हूँ ये ठीक है नहीं, कि बाकी के जो बल्लेबाज आउट हो गए उसका ये वजह नहीं, ये कारण तो आप नहीं कह सकते कि पुजारा की वजह से वो आउट हो, क्योंकि हर एक बल्लेबाज की अपनी गेम होती और पुजारा अपनी गेम खेलते। मदन जी कल करना क्या है, क्योंकि कहना तो हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि चलो यार कम ऑन इंडिया, मैच बचा के दिखाओ, ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि बरसात होनी नहीं है, जब आपको पता है 2 दिन का खेल बचा हुआ है, जब आपको पता है कि भारत के हौसले भी पस्त हो चुके हैं, आप कैसे अप्रोच करते हैं आखिरी 2 दिनों को? नहीं देखिए, आखिरी 2 दिन को अप्रोच करना में आपको पॉजिटिव ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैच को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो हम भी तो आउट हुए हैं ना, मतलब क्या हुआ, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 2-3 विकेट गिरे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि बाहर से सोच के कि हम 2 दिन का हम मैच कैसे बताएंगे, आपको तो देख सोचना ये है कि पहले सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा विकेट कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं मेरे विचार में अगर इस विकेट के ऊपर कभी भी आप विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि बाउंस है, मोमेंट है और गेंद टर्न भी कर रहा है, पर यह है कि अगर विकेट निकलते हैं 350 के करीब हम अगर उनको रोक लेते हैं लीड डालकर, तो भारतीय टीम के भी चांसेस बन जाते हैं। ऐसा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज है ये ठीक है कि जरा थोड़ा सा इस इनिंग में इतना अच्छा नहीं खेल पाए, पर फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। खैर फिलहाल मैच कहां खड़ा आपने देख लिया, लेकिन हकीकत जैसे मदन जी ने कहा, सनी भाई ने कहा, हर रोज एक नई कहानी लेकर आती है। अब आप उम्मीद यही करेंगे कि कल शायद कहानी थोड़ी अलहदा हो जाए, भारत के गेंदबाज जो चढ़कर गेंद करें, आप 2-3 आउट कर लें, क्योंकि यहां सिर्फ भारत के बल्लेबाजों को चौथी इनिंग में मैच नहीं बचाना है, वो निर्भर करेगा ऑस्ट्रेलिया कितनी देर कल बैटिंग करता है, आप कितनी जल्दी उनसे रन बनवाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 350-450 से कम आपको नहीं देगा। अब देखना यह है कि वक्त आप उनका कितना जाया कराते हैं, क्योंकि जितना कम आपको चौथी इनिंग में बैटिंग करने को मिलेगी उतना ही एक लिहाज से आपके पास थोड़ा बहुत मौका होता है इस मैच को बचाने का। लेकिन आज रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप बताइए मैच बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या चमत्कार हो सकता है कि नहीं हो सकता। आई एम श्योर आप लोग बड़े निराश होंगे आज के खेल को लेकर, लेकिन आ जाइए यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर आ जाइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रात 8 बजे आज के एजेंडा में मुलाकात वहीं पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।